सत श्री अकाल दोस्तों, बी एस न्यूज़ पंजाबी ते तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ तुहाडा दोस्त बलराज। गल करन लगे हाँ सब्जियां की काश्त संबंधी। वर्खा रुत्त विच काफ़ी किसानों वल्लों सब्जियां की काश्त की जाती है, पर किसानों नूं इस वर्खा रुत्त विच काफ़ी मुश्किलां भी आउंदियां हन, क्योंकि वर्खा रुत्त दौरान सब्जियां नूं काफ़ी बीमारियां लग जांदियां हन। इन्हां बीमारियां संबंधी गलबात कर रहे हैं डॉक्टर रुपीत गिल। आओ जानते हाँ डॉक्टर रुपीत गिल तो कि सब्जियां की काश्त करन वाले किसानों नूं किहड़ियां गल्लां दा खास ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो जिवें जिवें अपनियां अड्ड अड्ड फसल इतने डिस्कस होई गईआं, माड़ा मोटा हरेक ने हरेक ब्रीडर ने थोड़ा बहुता तो जिहड़ियां मेजर बीमारियां आउंदियां उन्हां बारे डिस्कस करदे रहे। ते चलो फिर भी आपां एक फ्लो दे विच जिहड़ियां जिहड़ियां मेजर आपां हुण फसलां डिस्कस होईआं इत्थे, ते उन्हां च जो जो मेजर प्रॉब्लम्स आउंदियां मौसम च उन्हां दी एक वारी सही पछाण किवें कर सकदे आ, कदों इह प्रॉब्लम ज्यादा वधदी है, सॉरी की इहदे मेन पॉइंट्स आ, वी रोकथाम आपां इहदी किवें कर सकदे आ, उह चीज़ां दा वेख लैंदे आ जी। जे आपां शुरू करिए जिहड़ी वी किसे फसल दी आपां पनीरी लाउंदे आ, जिवें ज्यादातर सब्जियां दी आपां पनीरी ला के फिर वो अगे आपां करदे आ, तां पनीरी दे विच जी इह प्रॉब्लम काफ़ी आउंदी आ मौसम दे विच, खेड़ा रोग। इहदी निशानियां इह दो तरह दा हो सकदा, एक तां इह जी वी जिहड़ा बीज है बीज ही पहलां गल जावे मिट्टी दे विच, ते उत्थों नवां बूटा निकलदा ते उह जगह बीज मां उत्थे मिट्टी दे विच ही मर जांदा। दूजा पार्ट इह है जी, दूजी तरीके इह हो सकदा वी बूटा विचों निकला है पर जदों बूटा जमा ही दो तीन पत्ते वाली स्टेज ते है उस टाइम जिहड़ा थां जिवें जमीन दे पद्धर ते उत्थे तुसीं कह लो भूरा या पानी भिज्जे वाला एक धब्बा बनना शुरू हुंदा, करदे करदे उह क्योंकि बहुत ही पतला है छोटा बूटा सारे तने नूं गाल दिंदा ते उत्थों बूटा वो डिग पैंदा। दोनों ही तरीकों नाल अपने मतलब जिहड़ा पनीरी दा स्टैंड है तुसीं कह लो वी बहुत थोड़ा अपन जर्मीनेशन लगदी वी बहुत घट है, बहुत मेन प्रॉब्लम है पनीरी की। पनीरी जो आप लाने आम मौसम इधर जी, सब तो पहला तो किसी भी बीमारी लिए जिवें डॉक्टर साहब भी पिछले डिस्कस कर रहे भी किसी भी चीज़ की आप एक स्प्रे गली किसी से भी आप निर्भर नहीं हो सकते। जिहड़ियां भी सारिया पहला भी डॉक्टर ममता ने गल की, डॉक्टर महिंदर ने हम डॉक्टर भुल्लर ने की भी बहुत सारे प्रैक्टिस है बहुत सारिया चीजा जिन्होंने कट्ठे लैके चलीए तो आप बीमारिया चाहे या वो फसल में ऐसे च वधिया तरीके उगा सकते हैं। ये भी जिवें यह जी भी पहला तो आप बी है जिहड़ा वो वधिया थां तों लईए, साफ सुथरा होवे रोग रहित होवे। दूजा यह है भी बीज नूं आपां जिथे जिथे भी सिफारिश है बीज नूं आपां सोध के बीजिए। तीजी चीज यह है भी जिहड़े थां ते आपां नर्सरी उगा रहे हैं जिहड़े थां ते आपां पनीरी लाई है वह थोड़ा खेत का नीवा थां ना होवे, उत्थे पानी पूनी ना खड़ता होवे। फिर जिहड़ा आपां बैड तैयार करना है जिवें डॉक्टर महिंदर ने बहुत वधिया डिस्कस कीता उस तरीके आपां बैड तैयार करिए जदों आपां पनीरी आप तैयार करनी है। उदों बाद इह है वी जे आपां नूं सपोज एक साल किसी थां ते प्रॉब्लम आई है तो अगले साल उसे थां ते आपां नर्सरी द्वारा ना लाइए। जे किते छां पैंदी होवे ज्यादा उह थां ते वी आपां नर्सरी वी जिथे सारा टाइम ही छां रहिंदी होवे उह थां ते वी नर्सरी बहुती ना लाइए उत्थे, क्योंकि जिथे भी सेल होगी नमी होगी उल्ली वालियां बीमारियां बहुत ही ज्यादा वधदी है वह कंडीशन दे विच। उदों बाद इह है जी भी बहुत ओवर क्राउडिंग है, बहुत ज्यादा संघने बूटे नहीं होने चाहिए पनीर च अपने विरले होण भी हवा विचों निकलती फिरती होवे, उस चीज नाल इह सारियां चीजां रला के जे आपां चलदे आ तां इस बीमारी तों काफ़ी हद तक बचा जा सकदा। अगे जी जिवें आपां इह पनीर च डिस्कस किया उस हिसाब नाल जे वड्डे बूटियां च गल ना कह लो या मतलब तने दा गाला हो गया ये प्रॉब्लम काफ़ी आउंदियां, ये ज्यादा उस टाइम आउंदी है जदों बहुत बारिशां हो रही होण ते अपने पानी जिथे खेत च ना निकलदा होवे पानी ना निकले ते पानी खड़ा रहे ज्यादा टाइम, ते उस टाइम ते जिहड़ा चीजा वो पानी दे कॉन्टैक्ट च सीधियां उहदे नाल लग गईआं जिवें वेलां थले है, जिवें डॉक्टर ममता कह रहे थे कि जे थोनों इस चीजा की प्रॉब्लम आती है तो वेलों आप उत्ते बन के उत्ते चढ़ा सकते हैं, वह की है भी थले वो पानी नाल या जे गिली बहुत ही देर मिट्टी गिली रही है तो उस चीज़ के कॉन्टैक्ट च नहीं रहनिया। दूजा यदा भी जिमें आप पिछले नर्सरी बारे गल की यदा भी सीधी है जी, सोध के आप बी बीजिए साफ सुथरी कल्टीवेशन रखिए, बहुत ही नदीन ना हो गोडी गुडी करते रहिए,
इस हिसाब के प्लांट का अपना स्टैंड हो हवा फिरती हो बहुत ज्यादा संघना स्टैंड नहीं होना चाहिए क्योंकि ओ है भी जिथे फिर हवा नहीं पैंती है माड़ी मोटी भी धुप नहीं लगती तो वह थानते उंगली वाली जी बीमारियां वह बहुत ही ज्यादा तेजी बढ़ती जी कद्दू जाति दियां फसलां दे विच इह प्रॉब्लम काफी आउंदी है ये हैगी है पीले धब्बियां दा रोग इह जदों मीं बारिशां पैणियां स्टार्ट हुंदियां इह उदों ही स्टार्ट हुंदी है सब तो पहला तो इहनूं जे आपां सही तरीके पछाण सकदे होईए इहदियां निशानियां जदों किते शुरू हुंदियां उसे टाइम ते आपां सारे खेत च स्प्रे ना करके जिथों ही स्टार्ट हुंदी है उत्थे आपां स्पॉट एप्लीकेशन कर दिए फिर इंडोफिलम 45 की कर दी या रिडोमिल की कर दी जे तुहानूं लगदा वी अगे वी बारिशा हुंदियां ही रहणियां या इहदे अनुकूल मौसम बने ही रहना वी बदलवाई रहना उस चीज दे विच फिर आपां रिडोमिल की स्प्रे दे सकदे नहीं स्पॉट एप्लीकेशन दे विच जे आपां इंडोफिलम 45 की स्प्रे दे दईए उदो बाद आपां इह कोशिश करिए वी इक तां खुला पानी इस हिसाब न लाइए भी जेडे पास खेत की बीमारी है उधरों दूजे पास ना हो क्योंकि यह बीमारी है जी उंगली है यह पानी के ट्रैवल करके मतलब दूजे जेडे अपने हेल्थी वधिया बूटे है उन्होंने जाके ये शुरू हो जाती है यदिया निशानियां यही है जिम्मे थोड़ा पीले धब्बे देसी रहे हैं दूजे पास वाली फोटो इस हिसाब न यह शुरू होंगे जी तो यहाँ जो पत्ते दाड़ियाँ वो इन धब्बिया के आले दुआले मतलब इतों आके रुक जाती है मतलब अड अड शेप पीले धब्बे बन जाते हैं जे आप जमा सवेरे जो मौसम हले धुप नहीं चढ़ी या जब थोड़ा ठंडा है दिन उस टाइम जे आप पत्ते थले आला पासा वेखीए तो अपन बहुत ही हल्की हल्की उंगली के कण ये पीले धब्बे थले आले पासे अपन दिसणगे ए भी यही है जिम्मे मैं पहला गल की भी कलिया स्प्रे कली एक दवाई छिड़क के आप नहीं कह सकते भी बीमारी अपने कंट्रोल च रहे सही पछाण रखिए जो आप लगता है मौसम अनुकूल बनता जा रहा है चंगी मोनीटर आप आपकी फसल में करिए फिर यह है जी बहुत फ्लड इरीगेशन जिम्मे मैं क्या खुला पानी उस टाइम से नहीं लाना पानी खड़ नहीं देना पानी का निकास वधिया होवे खेत चो ते एक बहुत ज्यादा संघड़े बूटे ना हो जिन्निया बीमारियां जिन्निया उंगली वालियां बीमारियां वर्खा रुत च आउंदियां यह सारी ऐसे टाइम ताई आउंदियां क्योंकि इन्हां बहुत ज्यादा नमी नमी जिहे वधदियां ते जिथे भी ओवरक्राउडिंग होगी जिथे भी बहुत ही ज्यादा संघड़ी फसल होगी जिहड़ी अपनी यूनिवर्सिटी की सिफारिश तो नेड़े लगे हुए आ बूटे उत्थे यह प्रॉब्लम सारिया प्रॉब्लम जरूर वध आउंदियां तो उस चीज का खास ध्यान रखना यही है जी झुलस रोग यही है जो ये शुरू होंगे यदि निशानियां जो पीले धब्बे शुरू होंगे तो यह जमा छोटे पीलिया तो शुरू होंगे तो अखीर तक भी तुम देखो भी यह हल्के भूरे हो जाते हैं या ये इतों पत्ता खत्म हो जाता उन्होंने झुलस रोग च की है जमा डार्क मतलब भूरे भूरे छोटे छोटे स्पॉट शुरू होंगे है करते करते जो स्पॉट व्डे हो जाते हैं उन्होंने आह अपन काले काले या डार्क ते लाइट अपन सर्कल दिसने लग जाते हैं पर ये है जी भी जे आप किसी होर चीज लिए भी जे थोड़े पीले धब्बे का रोग आ गया है किसी लिए भी तुसी एक अद्धी स्प्रे देती है या तुसी अदरवाइज आप नदीन नहीं होने दिते साफ सुथरा रखा तो यह प्रॉब्लम ज्यादातर जेडे थले वाले पत्ते मतलब पुराने पत्ते होंगे उन्होंने आँदी है तो बाकियां दी रोकथाम लिए आप जो भी कुछ जो उन्होंने तरीके ठीक कर रहे हैं तो यह बीमारी आपदे आप कंट्रोल च रही है जी बैंगन बीमारियां बारे डॉक्टर महेंद्र ने दो बारे गल की झुलस रोग है दूजा अपना जी यह वायरस रोग है विषाणु रोग आप अगे वेखांगे झुलस रोग का भी यही है भी सब तो पहला तो यह जो बी है वह आप जो यदियाँ थोड़ा निशानियां दिस रही भी यह फ्रूटा से बहुत व्डे व्डे इन्हों के धब्बे बन जाते हैं फ्रूट गल जाते हैं तो यह यील्ड वाइज या तुम कह लो भी बहुत ज्यादा नुकसान कर दी है जे ये ज्यादा फैल जाएगा तो यहाँ भी जब मुढ़ा स्टार्ट करके भी आप जो बी है वह आप रोग रहित फसल तो रोग रहित फ्रूटा तो लीए जो आप रख रहे हैं जो लै भी रहे हैं तो वह जो सूत्र तो होना पता हो डिजीज फ्री है दूजा यह आप सोच के बीजे जिमें अपनी नर्सिंग मैम ने दसिया जिमें नर्सरी आप ग्रो करनी है सही तरीके नर्सरी ग्रो करिए वधिया बूटियां नूं ही आप फिर खेत च लैके जाइए तो उस चीज नाल ही काफी कंट्रोल रहिंदी है
फिर है जी विषाणु रोग। विषाणु रोग हम काफी आते जिम्मे भिंडी च इस तरह का पीलिया विषाणु रोग आता है, छोटे कुत्तियां का रोग आता बैंगना च, ठूठी रोग है, चितकबरा रोग, यह चितकबरा रोग कद्दू जाति दियां जीआं मिर्चां च इन्हां च भी आ जाता है। जिथे भी विषाणु रोग है इहदी तीन चार चीजा मेन है जी। पहला तो यह है भी अपना वायरस फ्री होवे, डिजीज फ्री बी होवे। दूजा यह है भी जे कोई सिफारिश च यूनिवर्सिटी की सिफारिश च उहदे टकरा करन वाली वरायटी है, कोई टकरा करन वाली भावें हाइब्रिड है या वरायटी है, जे उह है तां जे तुहाडे अटैक ही है उस चीज का उस चीज की वरतों करो, उस चीज उस वरायटी काश्त करो। तीजी गल है जदों यह एक क्लोज चेक रखो, जदों भी यह स्टार्ट होंगे किसी पास स्टार्ट होंगे थोड़ा थोड़े बूटे दिसदे जो शुरू च, उस टाइम वह बूटिया पट के उन्होंने दूर कितने दब दो या मतलब खेत तो पासे कर दो, ए खेत के साइड से भी नहीं सीटने क्योंकि होंगे कि जो डॉक्टर भुला डिस्कस कर रहे थे भी रस चूसने वाले जो कीड़े है वह वायरस न बूटे तो लैके अपने हेल्दी बूटे तक फैलाते हैं, तो आप सोर्स न उतो कढ़ दीए शुरू च, जो थोड़े बूटे उदो आप पट के दब सकते हैं, जो सारे खेत च फैल गया फिर वह चीज भी अपने लिए पॉसीबल नहीं। तो उस बाद यह है भी जे कोई अपने कीटनाशक रिकमेंडेशन च हैगी है, कोई सिफारिश कीटनाशक है तो उस चीज न जड़ा भी यदा वैक्टर है भावे फिर वह जिम्मे इस मखी है ए जिम्मे डॉक्टर महिंदर डिस्कस कर रहे थे भी ए जैसिड है ये भी चिट्टी मखी है, तो जड़ा भी रस चूसने वाले कीड़े की प्रॉब्लम है उन्होंने मैनेज करिए, उन्होंने कंट्रोल करिए, ताकि जे एक अद्धे बूटे दे दो चार बूटे तो आप शुरू च दिसा भी है तो उतो ये अगे ना फैले, क्योंकि एक बार यह जिन्हें पार्ट च हो गया उस चीज न आप ठीक नहीं कर सकते बाकी बचा सकते हैं, तो यदि सारी जी स्ट्रैटेजी अपनी वह बचाने वाले पास रही है। सारे विषाणु जिन्हें भी विषाणु रोग है उन्हों का मेजर तुम कह लो भी रोकथाम तरीका यही है जी, ये भी चितकबरा रोग है कद्दू जाते फसलों सेम ही एदा भी एफिड तेल नाल ही फैलता, तो उस चीज की कंट्रोल से बाकी सारे भी प्रैक्टिस उवें करिए विषाणु रोग का अटैक काफी आप घटा सकते हैं, वह इंपैक्ट घटा सकते हैं। मेरे वालों इन्ना ही जी, जय हुण कोई, थैंक यू।